हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एंड दिस इज योर फर्स्ट लिटरेचर क्लास. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू प्रे माय ऑलमाइटी गॉड दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस वर्ल्ड एपिडेमिक गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ. God keep you safe and healthy, and for the sake of yourself, your life, your family, your society and your nation, you all must follow the guidelines given by the government of India and doctors, and stay at your home and keep yourself very safe. Now, in class 5, you have a study, you have discussed a lot your teacher about the literature. But in class 6, you are now a little older, a little grown up, and I think your understanding ability has increased properly to adopt the materials, study materials of literature in classics. In literature book, there are seven units. This is your literature book, and there are seven units. In unit first, the unit belongs to affection. Affection, carefully listen, ये affection से संबंधित है. अफेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है स्नेह. अफेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है स्नेह. लव फॉर यंगर्स, अपने सन के लिए, डॉटर के लिए, यंगर ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, एंड फॉर अदर्स आल्सो. व्हाट सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्ट लव यू हैव, दैट इज कॉल्ड अफेक्शन. In this lesson, I am going to discuss with you about the affection of your mother, because the title of this lesson is My Mother. You all know that in this materialistic world, all sorts of relations are not free from selflessness. स्वार्थ से रहित कोई संबंध नहीं है. केवल द रिलेशन ऑफ मदर विथ हर सन्स और सन्स विथ हर डॉटर और डॉटर्स आर बियॉन्ड सेल्फलेसनेस, स्वार्थ से परे होता है. So this is the most valuable relation. This is the best relations. इस संसार में यदि सबसे अच्छा संबंध कोई है तो वो संबंध है मां और पुत्र या पुत्रों का, मां और पुत्रियों का. This is the best. This is the most valuable. This is the most important relation in this world of materials. इस भौतिक संसार में मां का संबंध स्वार्थ रहित संबंध होता है. Beyond selflessness, स्वार्थ रहित होता है. इसमें जरा सा भी स्वार्थ नहीं होता है. You think yourself, what your mother does for you.
इन योर फैमिली सी अवेक्स द मोस्ट अर्ली, सबसे पहले वो जगती है एंड सी स्लिप्स एट लास्ट, अंत में सोती है. सी प्रिपेयर्स योर लंच बॉक्स, योर ब्रेकफास्ट, योर बैग्स. सी मेक्स योर बेड ऑल्सो. सी प्रिपेयर योर रूटीन ऑल्सो. सी हेल्प्स वेरी वेरी यू आर इन नीड. सी फुलफिल्स योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वांट्स, योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजायर्स. आपकी सारी चीजें आपकी मां पूरी करती है विदाउट गेटिंग टायर्ड. कभी वो थकती नहीं, कभी झल्लाती नहीं है. विदाउट इरिटेटिंग, कभी झल्लाती नहीं है. सबकी सुनती है और आपकी सारी कामनाएं ऑल विशेज को फुलफिल करती है. रियली मदर्स आर ग्रेट. सो ऑल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल चिल्ड्रेन, फॉर ऑल सन्स और डॉटर्स, मदर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स, वुमेन. दे आर कंसिडर्ड सुपर वुमेन. उसे सुपर वुमेन कहा जाता है. और समवन हैज सेड दिस, एक्सप्लेन दिस, द लाइफ गॉड इन लाइफ, ईश्वर का वो मूर्त रूप है, जीवंत रूप मां. वाई? बिकॉज दो इट इज कॉल्ड दैट गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी है, बट सी डजंट गॉड सॉरी गॉड डजंट प्रेजेंट एवरीवेयर इन हिज फॉर्म टू सर्व यू. सो ही क्रिएट्स मदर्स. इसीलिए उन्होंने इस धरती पर मां को बनाई है. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर लेसन. देखिए आप यहां पर आप देख सकते हो, गॉड कुडंट बी प्रेजेंट एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स. ईश्वर हर जगह उपस्थित जीवंत रूप में, मूर्त रूप में नहीं हो सकते हैं, लाइक अ लिविंग मैन और वुमैन. एंड सो ही मेड मदर्स टू सर्व हर चिल्ड्रेन, टू केयर हर चिल्ड्रेन, टू लव हर चिल्ड्रेन. व्हाट एवर यू वांट फ्रॉम योर मदर, सी फुलफिल योर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वांट्स. इसलिए मां को सुपर वुमेन के रूप में परिभाषित किया गया है. इस लेसन का कुछ वर्ड्स मीनिंग है फर्स्ट पैराग्राफ का, जिसमें अफिक्शन है, सेंचुरी है, ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, व्हाट एवर है, यानी जब भी, जो भी, जब कभी भी इस लेसन के लिए आई है. इलिगेंट काफी शिष्ट, यानी कल्चर्ड, ब्यूटीफुल, नाइस, व्हाट एवर यू कैन एक्सप्लेन, बहुत सुंदर, सुभद्र, जिसको सुभद्र, सुभद्रा कहा जा सकता है, इलिगेंट, और इनहेंसिंग यानी बढ़ाने वाला, इंक्रीजिंग, निम्बल, वेरी क्विक एंड ब्यूटीफुल, वेरी क्विक एंड ब्यूटीफुल. निम्बल फिंगर्स मीन्स वेरी क्विक, जो जल्दीबाजी में किसी चीज को काम करती है, क्विक एंड ब्यूटीफुल. तो अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट पर. गॉड कुडंट बी प्रेजेंट एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स. ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने मां को बनाया है. जस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट व्हाट योर मदर, व्हाट वर्क योर मदर डज एवरी मॉर्निंग. आप सोचो समझो और देखो कि प्रत्येक मॉर्निंग में आपकी मां आपके लिए क्या करती है. व्हाई एवरी चाइल्ड्स मॉम इज अ सुपर वुमेन, और प्रत्येक बच्चे की मां क्यों सुपर वुमेन होती है, इसका एक्सप्रेशन मैं आपको पहले भी किया हूं. व्हाट इवर सेंचुरी इट मे बी, देखिए फर्स्ट लाइन है, व्हाट इवर सेंचुरी इट मे बी,
मदर्स कंटिन्यू टू रिमेन द सेम केयरिंग एंड अफेक्शनेट। इस लाइन में कहा गया है कि चाहे जो भी समय रहा हो, जो भी समय काल रहा हो, एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक कोई भी सेंचुरी रहा हो, हमेशा मदर्स कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, एक ही जैसा रहे रिगार्डिंग हर बिहेवियर, हर अफेक्शन, हर लव फॉर हर चिल्ड्रेन। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार कभी बदलता नहीं। रिगार्डिंग केयरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय केयरिंग? केयरिंग एडजेक्टिव वर्ड से है और मदर के लिए आया है। केयरिंग एंड अफेक्शनेट, केयरिंग हु सीरियसली लुक आफ्टर एवरी बिट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हर चिल्ड्रेन, जो हर किसी के अपने बच्चों के प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान में रखती है और पूरा करने की कोशिश करती है। सी रिमेन्स हंगरी बट सी कांट सी हर बेबी हर चिल्ड्रेन इन हंगरी पोजिशन। अपने हिस्से का खाना खिलाती है अपने बच्चों को, ऐसी केयरिंग होती है। अफेक्शनेट, क्वाइट इंपॉसिबल टू एक्सप्लेन द अफेक्शन ऑफ मदर रिगार्डिंग अ चाइल्ड। यह संभव बात है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मां की ममता, मां का स्नेह कितना होता है अपने बच्चों के लिए, इस बात का वर्णन करने के लिए मेरे पास स्नेह नहीं है। तो समय काल, समय जो भी हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, राइट फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम एंड इन फ्यूचर, ऑल मदर्स रिमेन द सेम। दे आर केयरिंग, दे आर अफेक्शनेट। तो दो क्वालिटी मदर का इसमें एक्सप्लेन किया गया है, केयरिंग और अफेक्शनेट, एंड इन दी टू वर्ड्स वर्ल्ड समराइज। यही दो शब्दों में तो संसार है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप देखो मेरे साथ, मैं यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। माई मदर वॉज ए ब्यूटीफुल फेयर एंड इलिगेंट मीडियम साइज प्लम्प पर्सन। दो इन दोज डेज देयर वेयर नो ब्यूटी इनहेंसिंग क्रीम, माई मदर रिमेन्ड द मोस्ट फेयर एंड द लवली वन। सी यूज टू ऑलवेज वियर अ सारी वेरी क्विकली, हर निम्बल फिंगर्स कुड एडजस्ट इट्स प्लीट्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, द नरेटर और द राइटर और द ऑथर ऑफ दिस लेसन is saying, says the narrator says that my mother was a beautiful, fair and elegant, medium size plumped person. इसमें देखो एक चीज, फर्स्ट पैराग्राफ में मदर के लिए केयरिंग आया है एंड अफेक्शनेट आया है, जो मदर का यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टीज होता है, रिलीजन होता है। नेक्स्ट यहां पर एक वर्ड रिलीजन, कैरेक्टर और प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा हूं, क्वालिटी होता है, सब क्वालिटीज होते हैं, क्वालिटीज होते हैं। रिलीजन का अर्थ केवल धर्म ही नहीं होता है, जैसे वाटर का क्या रिलीजन है, सुन सकते हो, वाटर का रिलीजन है टू क्वेंच द थर्स्ट, प्यास बुझाना, कूल टू बी कूल, शांत रहना, ठंडा रहना, ये वाटर का रिलीजन है, ऐसे रिलीजन अर्थ में होता है। तो ये मदर की दो मेन क्वालिटी पहले बताई गई है, और इसमें मदर का फर्स्ट पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मदर का फिजिकल क्वालिटी के विषय में बताया गया है कि मदर वाज ब्यूटीफुल, सुंदर थी, फेयर थी, गोरी थी, इलिगेंट थी, काफी शिष्ट थी, न ज्यादा मोटी, न ज्यादा दुबली पतली, न ज्यादा लंबी, नहीं नाटी, यानी खूबसूरत, शिष्ट, यानी ब्यूटीफुल एंड कल्चर्ड, इलिगेंट मींस ब्यूटीफुल एंड कल्चर्ड, मीडियम साइज, मध्यम स्तर की थी, प्लम्प थी, थोड़ा हेल्दी थी, प्लम्प मींस
यानी नॉट इन सेंस ऑफ थुलथुला, नॉट इन सेंस ऑफ थुलथुला बट ऑफ एवरेज हेल्थ. दो इन दीज डेज देयर वेयर नो ब्यूटी इनहेंसिंग क्रीम माई मदर रिमेंड द मोस्ट फेयर एंड द लवली वन. उन दिनों कह रहा है डायरेक्टर, द डायरेक्टर एक्सप्लेन्स दैट इन दोज डेज उस समय देयर वॉज नो ब्यूटी इनहेंसिंग क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन नहीं थे सुंदरता को इनहेंसिंग माने बढ़ाने वाला, सौंदर्य को सुंदरता को बढ़ाने वाला कोई क्रीम नहीं था. फिर भी मेरी मां काफी सुंदर थी और हमेशा साफ सुथरा रहती थी और मोस्ट फेयर एंड द लवली वन, सबकी उसको लवली 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 इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव ऑल्सो एन एडवर्ब, ये दोनों चीज है हर किसी के लिए. सी यूज टू ऑलवेज वियर अ सारी वेरी क्विकली, हर निम्बल फिंगर कुड एडजस्ट इट्स प्लीट्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. हमेशा वो साड़ी पहना करती थी और इतनी तेजी से उनकी साड़ी का जो प्लेट्स होता है, यहां पर आप देखे होंगे कि लेडीज लोग प्लीट्स बनाती है जिसको प्लेट्स कहते हैं, प्लीट्स होता है PLEATS, उसको क्या कह सकते हो हिंदी में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है. यहां देखो तो उसको बहुत उनकी फुर्तीली और सुंदर उंगलियां बहुत इन्हें बहुत जल्दी साड़ी का प्लेट्स बना लेती थी. और यहां पर एक समय सूचक इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ए एडवर्ब है जी, यानी एक क्षण में ही, ए सॉरी एडवर्ब का नाम फ्रेज है और एक क्षण में साड़ी को इतनी ढंग से पहन लेती थी जिसका कोई ठिकाना नहीं है. आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. स्टॉप.